हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है एसेंचर कोग्निजेंट और एससीएल की तरफ से। थोड़ा गला हमारा खराब है, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना। तो बाकी लिंक मैं सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे ही दूंगा, बाकी सुनो चाहे ना सुनो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपके लिए। बाकी आपको लिंक चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर मैं किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो बनाऊँ, चाहे वो ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी कंपनी से कोई अपडेट आए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना के ना आपके लिए अपलोड कर रखी है, तो आप जाके एक बार गो थ्रू जरूर होना, चाहे वो ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे किसी भी कंपनी से कोई अपडेट हो, चाहे ऑनलाइन टेस्ट हो, ऑनलाइन इंटरव्यू हो, चाहे रिजल्ट आया हो, ठीक है। और अगर आपके कोई डाउट होता है तो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना के अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, अराउंड 111 या 100 प्लस वीडियोस हैं। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एससीएल टेक की तरफ से आ रही है, जियो की लोकेशन आपकी होने वाली है नोएडा की, और बिल्कुल फ्रेशर, जियो से लेकर 2.5 साल तक का एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, पोजीशन एक ही है, ठीक है। और जो आपकी प्राइमरी स्किल होनी चाहिए वो होनी चाहिए, देख सकते हो PERS, ठीक है, जिसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल में से एक कहते हैं, और आपकी जो नंबर ऑफ पोजीशन है एक है, और लास्ट डेट है इसकी 10 नवंबर, ठीक है। और सेकंड अपॉर्चुनिटी आपकी एसेंचर की तरफ से जो होने वाली है एसोसिएट टेलीकॉम ऑपरेशन, ये भी बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए ही है। तो यहाँ पर मैं सी मोड पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, लोकेशन बेंगलोर है, ठीक है, बेंगलोर जो भी है ये। और यहाँ पे देख सकते हो एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हो, 0 से लेकर 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप स्किल की बात करें, स्किल वगैरह ज़्यादा कुछ आपसे मांगा नहीं गया है, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ज़्यादा कुछ है नहीं। और थर्ड अपॉर्चुनिटी आपकी एथेंटिक की तरफ से जो आ रही है, जो कि होने वाली है ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी लोग एलिजिबल हैं, बीटेक वाले, एमटेक वाले, बीसीए वाले, एमसीए वाले, ठीक है, 20 से लेकर 22 वाले, ठीक है, ये भी सब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये हमारी फोर्थ और लास्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है कोग्निजेंट की तरफ से, जो होने वाली है मैनेजर प्रोजेक्ट्स की, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी, एमएससी, बीई, एमसीए वाले, ठीक है, ये भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। तो अप्लाई जरूर करना चारों में से, अगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड हो।